अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मार डालेंगे तुझे, मार डालेंगे। मुझे मारेगी? हाँ, एक आम इंसान, एक इच्छाधारी नागिन को मारेगी तू? तेरे और तेरे जीवन का लंबा जोड़ नहीं है। भूल गई, मैं एक ऐसी नागिन हूं जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। तेरे शिव के पास तो अभी 7 पूर्णमासी तक का वक्त है। तुझे जितना प्यार, जितना लाड, जितना दुलार करना है ना, कर ले। उसके बाद रूप खत्म। नहीं, एक खुशखबरी दूं तुझे, तेरा शिव तो फिर भी 7 पूर्णमासी तक रहेगा, पर तेरे कार्तिक के पास तो उतना भी समय नहीं है। वो आज ही मर जाएगा। तुझे कहा था ना कि तू मेरे खिलाफ गई तो तेरे कार्तिक को झटके से मार दूंगी, याद है? उस दिन मेरे जहर की वजह से उसको खून की उल्टियां हुई थी। आज भी मरेगा वो। फर्क सिर्फ एक ही होगा, आज तब तक उसकी उल्टियां नहीं रुकेंगी जब तक उसकी उल्टियों से उसकी जान नहीं चली जाती। दादी, आपने मोहिनी के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? नहीं तो शक्ति, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है दादी, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। आपने मोहिनी के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? नहीं तो बताइए दादी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सच सच बताइए हमें, अपनी पोती की उम्र की लड़की के सामने अपने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, सब झुक के आपके सामने आशीर्वाद लेते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो फिर आपने इसके सामने हाथ क्यों जोड़े हुए थे? इसके सामने, ये लड़की जो अभी अभी इस घर में आई है, बताइए दादी, शायद टाइम आ गया है आपको सच बताने का। हम भी ये बात छुपा नहीं सकते, और आपने जो देखा है शायद हम झूठ भी नहीं बोल सकते। बात एक इच्छाधारी नागिन के बारे में,
इच्छाधारी नागिन? क्या बात, क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? हिम्मत है? भोलेनाथ के सच्चे भक्त, अगर हम में हिम्मत नहीं होगी तो फिर किस में होगी? बता। भोलेनाथ के भक्त तो हम भी उतने हैं जितने की आप हो। भोलेनाथ ने जब विष लिया था तो सबको यही लगा था कि वो नहीं बच पाएंगे, पर वो तो भोलेनाथ है ना। जब उन्होंने जहर पिया था तो वो नीलकंठ हो गए थे। कार्तिक के साथ भी यही हो रहा है। उसके शरीर ने जहर को अपना लिया है। कार्तिक की बॉडी ने उस सांप के जहर को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो उसके शरीर का हिस्सा है। भोलेनाथ का जहर तो समंद्र मंथन से निकला था, लेकिन कार्तिक का जहर कहां से निकला है पता है? कहां से? नागिन से, एक इच्छाधारी नागिन से। दादी को भी यही लगता है और हमें भी यही लगता है। दादी कब से हाथ जोड़कर हमसे यही बोल रही है कि अगर कोई भी इच्छाधारी नागिन का तोड़ हो तो वो मुझे बताए। अगर ऐसी बात थी तो तुम दादी को मना कर सकती थी ना? तुम्हें पता है तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है वो? यही संस्कार है तुम्हारे? शायद जो हो रहा था आपने वो सिर्फ देखा, जो बातें हो रही थी वो आपने नहीं सुनी। हम दादी से कब से यही भूल रहे हैं, वो मेरे सामने हाथ ना जोड़े। वो उम्र में मुझसे बड़ी है, वो तो मुझे हुक्म दे सकती है, पर दादी कब से मुझसे विनती कर रही है कि कोई भी बाबा हो जो इस इच्छाधारी नाक का तोड़ दे सके तो मैं उन्हें बताऊं। मैं तो दादी को कब से ये बता रही थी कि आप और बाबूजी, आप लोग कितने बड़े डॉक्टर हैं और आप लोग कार्तिक का इलाज ढूंढ ही रहे हैं, और अगर मैंने बीच में कुछ भी करने की कोशिश करी तो आपको मैं फिर से नाराज कर दूंगी। तो फिर मैंने दादी को वादा किया था कि अगर कोई भी बाबा जो इस इच्छाधारी नागिन का तोड़ जानते हो तो मैं नहीं बताऊं। ये मोहिनी बिल्कुल सही कह रही है। देखो, तुम और शिव हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग इतना विश्वास तो कर सकते हो कि हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, जिस तरह से भी करेंगे, अपने परिवार की और अपने बच्चों की भलाई के लिए करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।